गोहाना में पकड़ा 750 लीटर नकली अमूल घी से भरा पिकअप। क्राइम यूनिट गोहाना और खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़े कार्रवाई। जी हां, आपको बता दें, आज गोहाना की क्राइम यूनिट ने खाद्य सुरक्षा विभाग के साथ मिलकर गोहाना पानीपत रोड पर नकली अमूल घी से भरे हुए पिकअप की खेप को पकड़ा है। मौके पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में भिजवा दिया है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 3 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस रिमांड की अवधि के दौरान पता लगाएगी कि घी की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई कहां कहां होती है। पुलिस मामले को लेकर गहनता से इसकी जाँच कर रही है और विभिन्न धाराओं के तहत पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। आजकल थोड़ा ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए मिलावटखोर लोग लगातार खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट कर जनता की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। एक तरफ जहां लोग विश्वास करके देसी घी खरीदते हैं, ऐसे में कुछ लोग मिलते जुलते ब्रांड की नकली घी तैयार कर बाजार में बेच देते हैं, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ने की संभावना बनी रहती है। गोहाना पानीपत मार्ग पर आज पुलिस और सुरक्षा खाद्य सुरक्षा विभाग ने सूचना के आधार पर 750 लीटर नकली घी से भरे हुए पिकअप गाड़ी को पकड़ा है। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक घी को तो शाम से भरकर अलग अलग जगह पर सप्लाई किया जाता है। हालांकि कहां कहां पर यह सप्लाई हुआ है और अन्य कितने लोग इस कारोबार में जुड़े हुए हैं, इसकी अभी जानकारी नहीं है, जिसको लेकर पुलिस आरोपी से रिमांड के दौरान पूछताछ कर रही है। अमूल कंपनी का नकली देसी घी को लेकर गोहाना के रास्ते से पानीपत जाने की सूचना प्राप्त होने पर यह कार्रवाई की गई। और जो आरोपी संदीप है वो तो शाम भिवानी का ही रहने वाला है। हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि अमूल का नकली घी जो तो शाम से गाड़ी आती है और वो कई जगह पे अलग अलग पानीपत में भी सप्लाई करती है, जो इसको विश्वसनीय मान के हमने अमूल के मैनेजर को बुला लिया था और फूड एंड सेफ्टी इंस्पेक्टर को बुला के उनके एक जॉइंट टीम करके उसकी नाकाबंदी करके उसको पकड़ा गया था, जिसको पकड़ने के बाद उसमें 750 लीटर अमूल के नकली पैकेट घी के बरामद। सर, ये जो कौन है, पकड़ा गया, कहां से? ये संदीप है जो इसमें गाड़ी चला रहा था, संदीप है प्यारे लाल का, तो शाम का ही रहने वाला है। कहां लेकर जाते कुछ बताएंगे? हाँ, अभी इसको कोर्ट में पेश करके 3 दिन का इसका पुलिस रिमांड लिया गया है। इससे पूछताछ की जाएगी, ये कहां से लाता था, किसके कहने से लाता था और ये कहां लेके जाता था, उस बारे में पूछताछ।